Thank you, Vivek ji. Yes, am I sir. audible? Yeah, we can hear you and see you both. Great, great. Thanks. I mean, I'm really honored to be part of this great initiative on World Cancer Day. And as you've asked me to talk about role of media in addressing the cancer, so first of all, what I would like to do is to switch to Hindi, because jitna to the ground, jitne bhi aapke is wonderful organized is event mein first half mein jitne communication hue adhikansh maine sune wo hindi mein the, to media ke role pe bhi jo ek major ek tarike se transition ki zarurat hai कैंसर को लेकर के, और यहाँ पर रोल जो है मीडिया का बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो दो एस्पेक्ट है मीडिया के अगर हम देखें तो, एक जो हम ट्रेडिशनल मीडिया के सेंस में जो बातें करते हैं विच इज मोर ऑफ अ ब्रॉडकास्टिंग नेचर, राइट. सो हमने टीवी रेडियो प्रिंट इनमें देखा है, बट साथ में सोशल मीडिया के आने से एक जो इंटरेक्शन है दैट इज देयर, और उसका भी हमें काफी एडवांटेज लेना है. सो द फर्स्ट जो रोल है आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वो ये है कि कैंसर जो है सबसे पहले जो फोकस है हमारा उस कैंसर के पेशेंट को लेकर के, उसमें हमें बड़ी क्लैरिटी रखनी है कि ये इट्स अ मोर देन एनीथिंग एल्स एक ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यू है. पेशेंट के कैंसर के डिटेक्ट होते ही जो उस पेशेंट के लाइफ में हो रहा है वहां पे मीडिया का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जितना आप जो पर्सनल इंटरेक्शन पहले भी रहे हैं और आज आपने जिस तरीके से जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है, ऑर्गेनाइज किया इवेंट को, लोगों की बातें सुनकर और जनरल जो अवेलेबल कंटेंट है उसको देखकर यह समझ में आता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना एक कैंसर पेशेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे मीडिया का रोल बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो टीवी रेडियो प्रिंट एंड मोर ऑन सोशल मीडिया, यहां पर जितना ज्यादा पॉजिटिव स्टोरीज केस स्टडीज जो कैंसर को फाइट करने का, जो कैंसर को सर्वाइव जिन्होंने किया है, जिन्होंने इस बैटल को जीता है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मीडिया का रोल. और सोशल मीडिया इसमें इंक्रीजिंगली ट्रेमेंडस रोल प्ले करता है. आई मीन अदर फॉर्म ऑफ मीडिया के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इस पर आगे भी हम बात करेंगे, बट ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड जहां पे है उसको हाईलाइट करना, आई थिंक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कुछ भी नहीं हो सकता है. बिकॉज एक ये क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली जो है वो कैंसर जो है नीचे लेकर के आ जाता है पेशेंट्स का, तो उसमें उनके स्ट्रेंथ को जो है वो बना करके रखना जरूरी है. सो एंड दैट लीड्स टू द जो अगली बात है वो है स्टिग्मा ऑफ कैंसर को हटाने की जरूरत है. कैंसर का होना डेथ सेंटेंस नहीं है, नॉट एनी मोर. लेकिन क्या हम अभी भी इसको वैसे ही ट्रीट नहीं करते हैं? सो इसमें ये जो WHO का ये जो 3 साल का जो कैंपेन चल रहा है, जो सेकेंड ईयर ये है, क्लोजिंग द केयर गैप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आप सबका, हम सबका जो